बहुत सारे नए यूट्यूबर इस बात से परेशान है कि मेरा चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है। सर्च करने पर मेरा चैनल नहीं आ रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा 2 से 3 स्टेप जिससे आपका चैनल सर्च लिस्ट में आने लगेगा। पहला ये है कि आप अपने चैनल का नाम यूनिक रखिए। अब कहने का मतलब यह है कि जैसे यूनिक का मतलब यह है कि किसी का चैनल अगर टेक कैटेगरी का है तो पहले अपना नाम टेक्निकल रख लेते हैं पहले, फिर बीच में उनका जो नाम है वो रख लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल उनसे हट कर करना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो पहले आप YouTube पे सर्च कीजिए टेक्निकल। जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे चैनल आ जाएगा। तो इसलिए आपको नाम थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, जैसे आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो। मैं नहीं कहता हूँ टेक्निकल का ही हो या फिर आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का हो, आपको चैनल का नाम यूनिक रखना चाहिए, बिल्कुल यूनिक, जो कि यूट्यूब पर वो नहीं है। दूसरा, आपके चैनल पर 4 से 5 वीडियो अपलोड होना चाहिए और सारे वीडियो में हैशटैग होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा बंदा, अगर आपने वीडियो को सर्च कर रहा है तो अगर उस कैटेगरी में आपका भी वीडियो रहेगा तो सर्च लिस्ट में आएगा। सर्च लिस्ट में आने से अगर आपका वीडियो पे क्लिक करता है वो, तो आपका चैनल का नीचे नाम भी आएगा। और तीसरा, जो अभी मैं आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन पे बताऊंगा, आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको youtube.com को सर्च करना है। youtube.com को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट का निशान दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं अपने चैनल के लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने चैनल के लोगो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करना है। YouTube स्टूडियो को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खोलेगा, आपको आ जाना है नीचे में। मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा करके, आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर खुल गया, तो यहाँ पर मैं चैनल पर सर्च करता हूँ। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो में आपका चैनल का नाम दिख जाएगा और आपको यहाँ पे कंट्री आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको कंट्री, जिस कंट्री से आप हैं, आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए नीचे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड, कीवर्ड में आप अपने चैनल के नाम के हिसाब से आप अपना इसमें कीवर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डाल रखा, देखिए मेरा चैनल का नाम है SM सुधीर, सुधीर ऐसे 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 करके मैंने कीवर्ड डाल रखे हैं बहुत सारे। ऐसा आप डालिए कि कोई अगर मानते मेरा नाम है SM सुधीर, तो मैं डाल दिया सुधीर SM सुधीर, सुधीर SM, ऐसे आप उस कैटेगरी में भी नाम अपने डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर कोई बंदा सर्च करता है तो वहाँ पे आपका चैनल आ जाता है सर्च लिस्ट में पहले या दूसरे नंबर पर। और यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज अभी दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे सेव कर दीजिएगा इसे और सेव करके बैक आ जाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।